हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, नथिंग फोन वन लॉन्च से पहले से ही इस फ़ोन को लेकर बहुत हाइप चल रहा है। नो डाउट फोन लगभग सारे मामलों में परफेक्ट है, लेकिन लॉन्च के बाद कुछ दिनों में ही इस फ़ोन का कुछ इशू सामने आ रहा है। इसका बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया है, फ़ोन में आपको IP53 रेटिंग भी मिलती है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ फ़ोन की कैमरा मॉड्यूल के अंदर एयर बबल्स यानी मॉइस्चर्स आ रहा है। कुछ फ़ोन्स के LED फ्लैश सही तरह से लगे नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा लगा हुआ है। कुछ फ़ोनों में सेल्फी कैमरा मॉड्यूल के पास डेड पिक्सल आ गई है और स्क्रीन में ग्रीन टिंट की भी इशू आ रही है। ये सब क्वालिटी कंट्रोल के इशू है और ये सब हार्डवेयर इशू है जो कि अपडेट से ठीक नहीं हो सकता। नथिंग को अपने फ़ोन की क्वालिटी कंट्रोल और बेहतर करना चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर इशूज़ भी है, जैसे कि कभी कभी इस फ़ोन की UI में लैग दिख रही है, फ़ोन में कुछ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इशू भी आ रही है, कैमरा UI भी लैग हो रहा है और UI फ्रीजिंग का भी इशू आ रहा है। ये सब सॉफ्टवेयर इशूज़ है जो कि अपडेट से ठीक हो सकती है। नथिंग ने कुछ फ़ोन्स रिप्लेस किया है, लेकिन ये भी सामने आया है कि फ्लिपकार्ट से फ़ोन रिप्लेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये थे नथिंग फ़ोन वन के कुछ सीरियस अपडेट। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे है तो लाइक और शेयर कर देना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।